Google Pixel 6 है, ये स्मार्टफोन मार्केट में आ चुका है, लेकिन कोई भी यूट्यूबर ये नहीं बताएगा कि इस स्मार्टफोन में क्या क्या कमी है। क्यों बताएगा यार, उसको तो रुपया मिलता है ना, वो नहीं बताएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए अगर आप जानना चाहते हैं कि इस स्मार्टफोन में क्या क्या कमी है। डिस्प्ले फीचर्स, इस स्मार्टफोन में आपको 6.1 इंच की फुल एचडी प्लस ओएलईडी डिस्प्ले मिलते हैं, लेकिन गाइस यहां पर आपको रिफ्रेश रेट 90Hz का नहीं मिलता है, यहां पर आपको रिफ्रेश रेट 6Hz का मिलता है, जिससे ये होगा कि आप अपने स्मार्टफोन को रिफ्रेश करोगे तो वो अच्छे तरीके से रिफ्रेश नहीं होगा, आपको भेजा खा लेगा, इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखें। और गाइस यहां पर आपको जो गोरिल्ला ग्लास का जो प्रोडक्शन मिलते हैं वो आपको 3 का सिर्फ ऑप्शन मिलते हैं, तो ये भी बेस्ट नहीं है। क्या बोला तूने? 3 क्यों दिया यार, सभी तो 5 देता है या 6 देता है, यहाँ पर 3 का ऑप्शन अगर मिलेगा तो क्या होगा स्मार्टफोन का तो कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, तो इसलिए ये भी अच्छा नहीं है। इतने ही नहीं गैस, इस स्मार्टफोन का प्राइस 38,000 रुपीस है। इस स्मार्टफोन के प्राइस के हिसाब से इसका लुक एंड डिजाइन कुछ भी बेस्ट नहीं है, आप देख सकते हैं गैस, देखिए, इसलिए तो आपको बताएं कि इसका लुक एंड डिजाइन कुछ भी बेस्ट नहीं है, आप देख लिए ना 38,000 रुपीस इसका प्राइस कैसे रखा यार। इस स्मार्टफोन को अगर बाय कर लीजिएगा ना तो ठगा भी जाइएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलते हैं, इसलिए आप मल्टीमीडिया में सभी कलर का सही तरीके से एंजॉय कर पाओगे, हाँ सही तरीके से एंजॉय कर पाओगे। प्रोसेसर के मामले में अगर बात करें जो इस स्मार्टफोन में जो आपको प्रोसेसर मिलेगा, ये गूगल का खुद का प्रोसेसर है टेंसर, ये प्रोसेसर 5 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, हाँ मानते हैं 5 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, लेकिन इतना भी बेस्ट नहीं है कि आप गेम के महफिल में तहलका मचा सको या आप एडिटिंग करते हैं तो वहाँ पर एडिटिंग को अच्छे तरीके से कर पाओ, इतना भी बेस्ट नहीं है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। बैटरी कैपेसिटी, इस स्मार्टफोन में जो आपको बैटरी कैपेसिटी मिलेगा 4410mAh की, जिनमें आपको फास्ट चार्जर ये नहीं है, चार्ज मिलेगा 18 वाट का, यहाँ पर आपको वायरलेस चार्ज नहीं मिलेगा, तो गैस यहाँ पर आपको बैटरी भी बिक नहीं मिलते हैं और चार्ज जो मिलते हैं ना वो भी फास्ट चार्जर नहीं है, आपके स्मार्टफोन को फुल चार्जर होने में जो टाइम लगेगा वो 2 घंटा या 2 घंटा से भी ज़्यादा लग सकते हैं। कैमरा फीचर्स, इस स्मार्टफोन को 2 कैमरा फीचर्स मिलेंगे, फास्ट मिलेंगे 12.2 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और साथ ही में आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेंगे 12 मेगापिक्सल, अगर बात करें फ्रंट की तो यहाँ पर 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा आपको मिलेंगे। तो गाइस आपको बता दें कि गूगल का जो कैमरा होता है ना वो बहुत ही बेस्ट होता है, यहाँ पर आप अच्छी क्वालिटी में हाई रेजोल्यूशन में पिक को ले पाओगे, छोटा हुआ तो क्या हुआ लेकिन इसमें कमाल भी है धमाल भी है। सेंसर, इस स्मार्टफोन में आपको सभी सेंसर नहीं मिलेगा, फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा लेकिन फेस एंड लॉक का ऑप्शन नहीं मिलेगा, एंड छोटे मोटे जितने भी लॉक है उनका ऑप्शन आपको मिलेंगे। कनेक्टिविटी फीचर्स, इस स्मार्टफोन में आपको नेटवर्क सपोर्ट 4G मिलेंगे, ब्लूटूथ 5.2 का ऑप्शन मिलेंगे, वाईफाई का सपोर्ट मिलेंगे, वाईफाई हॉटस्पॉट का सपोर्ट मिलेंगे, NFC का सपोर्ट मिलेंगे, GPS का सपोर्ट मिलेंगे एंड और जितने भी कनेक्टिविटी फीचर्स है उन सभी का आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो गाइस हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो चलते हैं इस वीडियो में, फिर मिलेंगे, जय हिंद।